फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैगी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। और मैगी सबको वैसे भी बहुत पसंद आती है, पर इसमें अगर वेरिएशन मिल जाए उनको तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो मैं बनाऊँगी चिली पनीर मैगी। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी जो है गर्म करने रख दिया था, और इसमें हम एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टेप करने जा रहे हैं वो हम मैगी को बॉयल करेंगे। तो जब तक पानी हमारा गर्म होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए, और ये बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, पानी में बॉईल आ गया है, और यहाँ मैंने दो मैगी ली थी जिन्हें मैंने लंबे लंबे ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैगी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे एक छन्नी में निकाल लूँगी और इसे जो है ठंडे पानी से धो के उसी छन्नी में रख देंगे, जिससे कि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी मैगी ठंडी होती है हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से गर्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी ये हमारे पनीर के क्यूब, और इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से दोनों तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन्हें मैं अब निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तेल हमारा अभी बचा हुआ है और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच और तेल। और तेल हमारा पहले से ही गर्म है कढ़ाई भी, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी अदरक चॉप की हुई, 1 हरी मिर्ची बारीक चॉप किया हुआ, और इसके साथ साथ बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, और इन्हें हम अच्छे से सौते कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली थी फ्राई हो गई है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, और इसी के साथ 1 चम्मच बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डाल दूंगी, और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। और इनके साथ साथ अब मैं डालूंगी यहाँ पर ये डाइस में मैंने प्याज लिया है, ये एक छोटे साइज का प्याज था जिसे मैंने इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये भी हम इसके साथ तेज आंच पे सौते कर लेंगे। हमें सब्जियों को इतना पकाना है कि इनका क्रंच बस बना रहे और ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, पूरी तरह से हमने सब्जियों को गलाना नहीं है। तो प्याज हमारे हल्के से टेंडर हो गए हैं, और अब मैं डाल दूंगी कैप्सिकम, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो फ्रेंड्स, प्याज और शिमला मिर्च हमारी पक गई है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, और इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे कुछ सॉसेस। तो गैस को यहाँ पर हम करेंगे स्लो। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी विनेगर वाइट वाला, और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, या इसमें आप शेजवान सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें हम अभी मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो केचप 1 चम्मच, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी ये मेरा मैगी मसाला, जो कि मैगी पाउच में से निकलता है,
तो ये दो हैं क्योंकि हमने दो मैगी यूज़ की है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से ये स्प्रिंग अनियन की लीव्स, और इसके साथ साथ ये हमारी मैगी जो हमने बॉईल करके रखी थी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी हमारे ये पनीर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, और इन्हें भी हम मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा चिली पनीर मैगी। बहुत ही गजब का टेस्ट लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।